10 जर्मन शेफर्ड टिप्स हैं जो हर जर्मन शेफर्ड ओनर को पता होने चाहिए ताकि जर्मन शेफर्ड उनका एक हेल्दी एक्टिव लाइफ गुजारे और उसको किसी तरह के कोई मसले ना हो। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है फीडिंग। आपने जर्मन शेफर्ड की जो डाइट है उसको आपने प्रॉपरली चूज़ करना है। जर्मन शेफर्ड की जो स्पेसिफिक डाइट है, जैसे रॉयल कैनन जर्मन शेफर्ड स्पेसिफिकली जर्मन शेफर्ड के लिए डिज़ाइन की हुई है, कोशिश करें वो जो है चूज़ करें। अदरवाइज़ आप होममेड डाइट देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल पे वीडियो है, आप होममेड डाइट भी अपने जर्मन शेफर्ड को दे सकते हैं। बट जर्मन शेफर्ड की डाइट के अंदर कुछ चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। जब तक आपका जर्मन शेफर्ड 6 मंथ का नहीं हो जाता, आपने उसको 3 to 4 times जो है डेली फूड देनी होती है। जब 6 मंथ से 1 year तक हो जाए, आपने 2 times मॉर्निंग इवनिंग डाइट देनी होती है। और 1 year के अबव भी आप 1 time भी दे सकते हैं, 2 times भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके जर्मन शेफर्ड की एक्टिविटी लेवल क्या है। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आउटडोर जाता है, तो आप 2 times करें। अगर एक्टिव नहीं है, घर में रहता है ज़्यादातर, तो आप उसको 1 time भी दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। बट जर्मन शेफर्ड की डाइट देने के बाद आपने उसको फ़ौरन से वॉक पर नहीं लेके जाना। जर्मन शेफर्ड की जो बेली है वो ब्रॉड होती है, उसके अंदर जब आप जर्मन शेफर्ड को डाइट के फ़ौरन बाद या वॉक पर ले जाते हैं तो उसके अंदर GDV गैस्ट्रिक डायरिटेशन वल्वुलस का केस होता है, उनका स्टमिक घूम जाता है। तो ये वाला मसला जर्मन शेफर्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा आता होता है अगर आप उसको फ़ौरन वॉक पे ले जाएं। तो आपने जर्मन शेफर्ड को कम से कम जो है आधा घंटा वेट करवा के आपने उसको वॉक पे लेके जाना है। और जर्मन शेफर्ड के अंदर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आपने उसको कोई भी लेफ्ट ओवर, जैसे आप खाने पे खाना खा रहे हैं टेबल पे, आप अपना बची हुई हड्डी रोटी या इस तरह की चावल अपने जर्मन शेफर्ड को नहीं खिलाएंगे। ये जर्मन शेफर्ड को एलर्जीज़ वगैरह के अंदर तरफ लेके जाते हैं और इसको जर्मन शेफर्ड की स्किन के मसले और इस तरह के जो GIT के इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं और जर्मन शेफर्ड को बीमार करने का बाइस बनते हैं। दूसरी चीज़ आती है जर्मन शेफर्ड की, वो पोटी ट्रेनिंग है, लिटर ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो आपने करना है। जब जर्मन शेफर्ड पपी आप घर में लेके आते हैं तो आपको आइडियली हर 2 घंटे के बाद उसको घर से बाहर लेके जाना पड़ता है, जस्ट कि वो अपना स्टूल या यूरिन पास कर ले। उसको शुरू में उसका कंट्रोल नहीं होगा, वो घर में भी करेगा बाहर भी करेगा, बट आपने उसमें थोड़ा ये पेशेंस का काम होता है, आपने पेशेंस के साथ लेके जाना है उसको, बाहर लेके जाएं, थोड़ी देर वॉक करवाएं, स्टूल पास कर ले, ठीक है। अगर अनफॉर्चुनेटली उसने घर में कर ले तो वो जगह फिनाइल के साथ ही अच्छी तरह धो दें ताकि उसकी वो स्मेल ख़त्म हो जाए। ये जर्मन शेफर्ड्स के अंदर ये हैबिट होती है कि जहाँ उन्होंने एक बार यूरिन या स्टूल पास किया है वो दोबारा कोशिश करते हैं उसी एरिया में दोबारा करें। तो बेहतर है कि जहां आप कोशिश करें कि वो बाहर स्टूल पास करें, अगर घर में करते हैं तो वो उसका पॉइंट ख़त्म कर दें। जब वो 6 मंथ तक आप उसको फुली पोटी ट्रेन कर लेते हैं और 6 मंथ के अबव उसका काफ़ी कंट्रोल आ चुका होता है अपना जो स्टूल है या यूरिन है उसके ऊपर, आप उसको हर 5 to 6 hours के बाद भी उसको स्टूल के लिए ले जाएं तो भी वो सही रहता है। बट आग जो डॉग ओनर होता है या डॉग का हैंडलर होता है उसको आइडिया हो जाता है कि जब जर्मन शेफर्ड को जो है वो भौंक रहा है, अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसको यूरिन या स्टूल के लिए बाहर जाना है। तो ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज़ जर्मन शेफर्ड घर में करेंगे, अगर घर में स्टूल करने में ट्रेन हो गए तो वो बहुत ज़्यादा गंद मचाते हैं और वो ओनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होता है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो सोशलाइजेशन। जर्मन शेफर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव ब्रीड है, उसको आपने सोशलाइज करवा के रखना है, आपने लोगों के साथ उसको मिलाना है, दूसरे डॉग्स के साथ उसको मिलाना है। अगर आप नहीं मिलाते, फॉर एग्जांपल आप डॉग को बाहर नहीं लेके जाते, वॉक पे नहीं लेके जाते, ड्यूरिंग क्वारंटीन लोगों ने वॉक करवाना छोड़ दी, डॉग्स को घर में रखते हैं, लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन नहीं है, तो जर्मन शेफर्ड बहुत लीथल हो जाते हैं। ये अटैक करते हैं, लोगों को स्ट्रेंज समझते हैं और उनके ऊपर हमले की कोशिश करते हैं। तो जर्मन शेफर्ड को सोशलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि किसी तरह का आपके ऊपर या दूसरों पे हार्म ना करें। अदरवाइज जर्मन शेफर्ड जो होते हैं बहुत एजाइल और अटैक करने वाले डॉग होते हैं, अगर इसको सोशलाइज नहीं करवाएंगे दूसरे डॉग्स पे भी अटैक करेगा, दूसरे लोगों पे भी अटैक करेगा, जो कि इसके लिए और आपके लिए भी एक परेशानी का बायस हो जाता है। तो इसमें सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन शेफर्ड की, अगर आप सोशलाइज नहीं करवाते तो बहुत सारे मसलों का सामना आपको करना पड़ सकता है। चौथी चीज़ आती है जर्मन शेफर्ड की एक्सरसाइज। जर्मन शेफर्ड को कम से कम आपने जो है 2 to 3 hours डेली एक्सरसाइज करवानी होती है। जर्मन शेफर्ड की एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, बेसिकली ये जो स्पोर्ट्स के लिए, बाहर हंटिंग के लिए या इस तरह का इनका नेचर होता है, अगर आप घर में इसको एक्सरसाइज नहीं करवाते या उसको आप बाहर वॉक पे नहीं लेके जाते या उसकी एनर्जी ड्रेन नहीं करवाते तो घर में उसका डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो जाता है। वो सोफे फाड़ना, जूते फाड़ना, जो इस तरह के टायर हैं गाड़ी के उस तरह को, वो अपनी एनर्जी कहीं ना कहीं ड्रेन करेगा। तो आपने उसकी एक्सरसाइज लाजमी करवानी है, एक्सरसाइज के बगैर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। आपने उसको कम से कम उसको बाहर लेके जाएं
रनिंग करवाएं, फेच करवाएं उसको 2-3 घंटे, जब वो फुल थक जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, फिर आपने उसको वापस घर लेके आना है। अगर वो एग्जॉस्ट नहीं है या आपको लगता है कि उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई, देन आप उसको फुल एग्जॉस्ट कराएं, तो फिर उसको जो है आप घर में लेके आएं। इसके अलावा मेंटल गेम्स होती हैं, आप उसको जो है टग ऑफ वॉर आप उसके साथ खेल सकते हैं। इसके अलावा हाइड एंड सीक खेल सकते हैं, और बहुत सारी गेम्स हैं जो जर्मन शेफर्ड के साथ खेली जा सकती हैं, ताकि जर्मन शेफर्ड मेंटली भी जो है एक्टिव रहे और मेंटली जो अलर्ट थे वो डम ना हो जाए या किसी तरह का बेकार डॉग ना बन जाए। पांचवी चीज़ आती है, वो है बेसिक ओबीडियंस। जर्मन शेफर्ड को बेसिक ओबीडियंस में आपने ज़रूर लेके जाना है कि उसको पता हो कि आप उसको कमांड करते हैं, आप उसको सिट कहें तो वो सिट करें, आप उसको स्टैंड कहें, आप खाने से रोकें तो वो रुक जाए। अगर वो आप पे डोमिनेट करता है घर में और अगर आपकी कमांड नहीं मानता, तो आपको जर्मन शेफर्ड रखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो बहुत ज़्यादा तंग करेगा और बहुत ज़्यादा मसले क्रिएट करेगा। वो दूसरों लोगों पे अटैक करेगा आपके घर में, आपकी मर्ज़ी पे आप पे जंप करेगा, आपके कपड़े ख़राब करेगा। आप घर में आएंगे तो आपके कपड़े ख़राब करेगा, आप घर से बाहर जाने लगेंगे तो जाते ही वो आप पे जंपिंग और ये सारी चीज़ें, आपकी बेसिक ओबीडियंस है जो उसको तमीज़ है जर्मन शेफर्ड को, वो आपने लाजमी सिखानी है। अगर आप जर्मन शेफर्ड को तमीज़ नहीं सिखाते, वो बेसिक ओबीडियंस नहीं सीखता, तो आपके लिए रखना बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। हमने बहुत सारे ओनर्स देखे हैं जो जर्मन शेफर्ड को सिर्फ इसी वजह से दे देते हैं कि जी जर्मन शेफर्ड हमारा, इसको तमीज़ ही नहीं है, ये कपड़े ख़राब करता है, घर में आता है बच्चों पर अटैक कर देता है, या बच्चों के साथ जंप मारता है, नाखून मार देता है, तो हमारी बात नहीं सुनता। तो ये आपने इसकी बेसिक ओबीडियंस लाजमी करनी है। बेसिक ओबीडियंस के लिए आप ट्रेनर भी प्रॉपर हायर कर सकते हैं या इसको आप खुद भी कर सकते हैं। आपको YouTube पे बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी बेसिक ओबीडियंस के लिए। तो आपने बेसिक ओबीडियंस का जो है प्रॉपर ख्याल रखना है जर्मन शेफर्ड्स की। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है सॉफ्ट बेडिंग। आपने जर्मन शेफर्ड का देखा होगा कि जॉइंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, उसकी हाइंड लेग के और उसके कोहनियों के ऊपर जो है जो निशान बन जाते हैं, टांगें ख़राब हो जाती हैं, आर्थराइटिस का मसला आ जाता है, ये सारे मसले रिलेटेड होते हैं उसकी बेडिंग के। अगर जर्मन शेफर्ड जो हार्ड फ्लोर के ऊपर या पक्के फर्श के ऊपर सोता है, तो उसको बहुत सारे मसलों का सामना करना, नी हाइग्रोमा बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है। इसके अलावा निशान पड़ते हैं बॉडी पे, टांगे टेढ़ी हो जाना, बच्चों का जैसे कुछ लोग बच्चा लेके आए जर्मन शेफर्ड कह रहे हैं जिसकी टांगे टेढ़ी हो गई हैं, पाँव आगे की तरफ चले गए हैं, तो ये सारा उसकी सॉफ्ट बेडिंग के होता है। सॉफ्ट बेडिंग के ऊपर लोग कहते हैं जी बेड जो हम ला के देते हैं जर्मन शेफर्ड को, वो बेड फाड़ देता है या तबाह कर देता है, तो जो उसके लिए भी सस्ते ऑप्शन भी हैं। आप मिट्टी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कच्ची जगह तो आप मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं, तो आप उसको बोरियां वगैरह जो सेबी की जिसमें आलू शालू आते हैं, वो बोरियां भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट बेडिंग है और सस्ती होती हैं, तो वो भी उसको फाड़ देगा, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट का मसला नहीं आएगा। बट कुछ जो वेल बिहेव डॉग होते हैं या इनडोर जर्मन शेफर्ड्स होते हैं, वो सॉफ्ट बेड्स के ऊपर भी एक बहुत एक्टिव और हेल्दी लाइफ गुजारते हैं, और ये सॉफ्ट बेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जर्मन शेफर्ड्स की लेग्स के लिए और उसके इस तरह के स्किन के इश्यूज़ के लिए। उसके बाद जो चीज़ आती है वो सेपरेशन एंग्जाइटी। अगर तो आप एक ऐसे ओनर हैं जो कि बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, बहुत दिन तक घर नहीं आते हैं या लंबी ट्रैवलिंग करते हैं, तो ये जर्मन शेफर्ड आपके लिए डॉग ही नहीं है। जर्मन शेफर्ड जो हैं अपने ओनर के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अगर आप इनको अकेला छोड़ दें तो इनके अंदर मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, और इसके अलावा ये डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, एग्रेशन और इस तरह के मसले आपको देखने को मिल सकते हैं। बट समटाइम क्या होता है, लाइफ है, आपको कुछ अर्से के लिए बाहर जाना पड़ता है, तो आप इसको किसी पेट सीटर के पास छोड़ के जाएंगे या अपने किसी दोस्त वगैरह के साथ छोड़ेंगे। सो जर्मन शेफर्ड को अकेला छोड़ना इसको तबाह करने के मुतरादिफ होता है कि जर्मन शेफर्ड को आप अकेला छोड़ेंगे, उसके अंदर बैड बिहेवियर्स जो है वो स्टार्ट होने लग जाएंगे, दीवारें चाटना, सोफे फाड़ना, इस तरह के जो भी मसले होते हैं जो कि एक जर्मन शेफर्ड ओनर को पसंद नहीं होते, वो सारे ही सेपरेशन एंग्जाइटी में आते हैं। इसके अलावा जर्मन शेफर्ड जो होते हैं, जब आप उसको अकेला छोड़ते हैं, ओनर दूर चले जाते हैं, वो खाना भी छोड़ देते हैं, वीक हो जाते हैं और बीमार भी हो जाते हैं, तो आपने इनको इस तरह की सिचुएशन में नहीं डालना। जर्मन शेफर्ड में भी बाकी चीज़ें होती हैं, वो टीथ, ईयर और उसके कोट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले ईयर की बात कर लेते हैं। जर्मन शेफर्ड की खूबसूरती उसके जो दोस्त जो स्टैंडिंग ईयर्स होते हैं वो होते हैं। अगर जर्मन शेफर्ड के कानों में कोई मसला हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, हीमाटोमा हो गया है या इस तरह का ओरिकुलर हीमाटोमा डेवलप हो गया है, तो जर्मन शेफर्ड के कान गिर जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। और मोस्टली जर्मन शेफर्ड ओनर का ये कंसर्न भी होता है कि जर्मन शेफर्ड के कान गिरे हुए हैं, एक कान खड़ा है गिरा हुआ, तो वो जर्मन शेफर्ड जो है बहुत अजीब लगता है और लोग उसको पसंद भी नहीं करते। तो इसमें जर्मन शेफर्ड के कानों की सफाई और कानों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें तरह का कोई मसला ना आए। उसके बाद डेंटल क्लीनिंग है। आपने उसको जर्मन शेफर्ड को हार्ड डाइट देंगे, जैसे आप बिस्किट वगैरह या रॉयल कैनन का जो आपको फूड सजेस्ट किया वो आप देते हैं, तो दांत साफ़ रहते हैं। पर फिर भी आप ऑन एंड ऑफ रैंडम टाइम पे उसके दांत चेक करते रहें। अगर दांत बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं तो आपने उसकी स्केलिंग करवानी है। इसके अलावा ओवरज़ू के हर्बल स्प्रेज भी आते हैं, जो कि आपको अलियान वेट स्टोर से मिल जाएंगे, वो भी आप स्प्रे करते हैं। हर खाने के बाद उसके मुँह में एक स्प्रे मार दें, ताकि उसके मुँह में टार्टर, गंद या बैक्टीरिया वगैरह डेवलप ना हो।
कोट जो होता है जर्मन शेफर्ड का, जर्मन शेफर्ड हैवी शेडर्स होते हैं, ये अपने कोट बहुत ज़्यादा शेड करते हैं, जो दो लेयर में इनका कोट होता है, तो उसमें ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जर्मन शेफर्ड को आपने रेगुलर ब्रश करना है, हो सके सुबह शाम करें, ताकि जर्मन शेफर्ड का एक हेल्दी कोट और फ्रेश कोट लुक रहे। अगर जर्मन शेफर्ड का कोट ब्रश नहीं करते, उसका कोट जो है डेड सा रफ सी लुक आने लग जाती है, जो कि सही नहीं होता और जर्मन शेफर्ड को बीमार करता है। और उसकी अगर नोट्स बन जाए, ब्रश नहीं करते जर्मन शेफर्ड के नोट्स बन जाए, तो उसके अंदर स्किन इन्फेक्शन होने के काफ़ी सारे चांसेस होते हैं। तो जर्मन शेफर्ड को प्रॉपर शावर, ब्रशिंग और प्रॉपर शैम्पू के साथ आपने उसको शावर करना है, अदरवाइज उसको इस तरह से मसले डेवलप हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जर्मन शेफर्ड को किसी तरह का कोई मसला है, स्किन का कोई मसला स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसके लिए इरा का जो मेडिकेटेड शैम्पू है वो यूज़ करें, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं जर्मन शेफर्ड के कोट के ऊपर। उसके बाद जर्मन शेफर्ड की वैक्सीनेशन डिवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मन शेफर्ड जैसे ही आप बच्चा लेके आए, 42 डेज पे आपने उसको वैक्सीनेशन का कोर्स स्टार्ट करवा देना होता है, और 21 दिन के वक्फे से आपने 4 शॉट लगवाने हैं, और देन हर साल एक एक टीका लगवाना है, ताकि जर्मन शेफर्ड को पारवो, कैनाइन डिस्टेंपर और इस तरह के डेडली वायरसेस ना हो। जर्मन शेफर्ड में पारवो बहुत कॉमन है, अगर जर्मन शेफर्ड को पारवो हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा जो उसके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा अगर आपने जर्मन शेफर्ड की वैक्सीनेशन कंप्लीट है, तो आपने उसकी डिवर्मिंग अप टू डेट रखनी है। अगर खाना खा रहा है तो उसको लगे, अगर जर्मन शेफर्ड वीक हो रहा है आपका खाना, उसको अच्छी क्वालिटी का आप देंगे, उसके पेट में वर्म्स होंगे, तो वो खाना खाएगा बट उसको लगेगा नहीं, उसकी हेल्थ नहीं निकलेगी, और उसकी अपेयरेंस जो है वो बहुत रफ़ और जो वीक सी होगी, तो वो अच्छी नहीं लगती। डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन जर्मन शेफर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अप टू डेट रखेंगे तो आपका जर्मन शेफर्ड बहुत एक एक्टिव और हेल्थी लाइफ गुजारेगा, जिसमें उसको वेट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लास्ट नंबर पे चीज़ आती है, वो जर्मन शेफर्ड को टिक्स, फ्लीज और एक्सटर्नल पैरासाइट से बचाना बहुत ज़रूरी है। जर्मन शेफर्ड बाहर जाते हैं वॉक पे, झाड़ियों में जाते हैं, घुस जाते हैं, तो वहाँ से आपने जर्मन शेफर्ड को टिक्स चढ़ जाते हैं, जो आपने अगर जर्मन शेफर्ड को टिक्स हो जाए तो वो बहुत सारी बीमारियां लेके आते हैं। ब्लड पैरासाइट उनमें बहुत कॉमन है, और जर्मन शेफर्ड ब्लड पैरासाइट की वजह से बहुत जल्दी एक्सपायर करते हैं। इसके अलावा जो पैरासाइट्स भी होते हैं, वो भी टिक्स और फ्लीज के जरिए से ट्रांसमिट होते हैं, और टिक्स जो हैं जानवर को वीक कर देते हैं और एक मिजरेबल कंडीशन में रखते हैं। तो जानवर को आपने टिक्स नहीं होने देने, आप उसके लिए मेडिकेटेड शैम्पूज आते हैं, जैसे इरा का मैंने आपको शैम्पू पहले भी बताया है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने जर्मन शेफर्ड के ऊपर, ताकि उसको टिक्स और फ्लीज का मसला ना हो। अगर टिक्स और फ्लीज एक बार आ जाएं, तो लोग कहते हैं कि अगर घर को पूरी तरह उखाड़ें और दोबारा बनाएं तो फिर भी टिक्स और फ्लीज नहीं जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो घर है उसको टिक एंड फ्ली जो है जो सेफ़ रखें, उसको जर्मन शेफर्ड को टाइमली मेडिकेटेड शैम्पू के साथ शावर देते रहें, ताकि उसमें इस तरह के कोई एक्सटर्नल पैरासाइट ना हो जो कि जर्मन शेफर्ड को और बीमार करें। एज ए वेट ये 10 टिप्स हैं, जो कि अगर आप फॉलो करें तो आपको होपफुली जर्मन शेफर्ड को किसी वेट के पास लेके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारे ही मसले होते हैं जो अल्टीमेटली ख़राब होते हैं, तो आपको वेट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। आप इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।